बावजूद कोशिश दे बड़ी आ गए हैं मेंबर थे, बड़ी कोशिश हुई है ना हम। तुसी भी शुक्र करो, सलवात पढ़ने का मौका मिले, सलवात पढ़ो। मोहम्मद इम्बाली मोहम्मद बारे दीगर सलवात पढ़ो। तुसी भी सलवात सारे यक जुबान होके पढ़ो। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल्लिल अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद सलवात। बगैर किसी तमहीद व तफसील तू एक फरमाने मासूम अपने हिस्से की इबादत करनी, खुतबा इतना ही मैं जितना पढ़ छोड़े ते दो या चार मिनट जिक्र मुसाहिब सलवात सारे हजरात यक जुबानों के पढ़ो मैं ताकि इबादत का सिलसिला शुरू करा। सलवात सुबह का मैं सुनता पे बैठा बंदा पता नहीं इबादत नहीं समझते सलवात पढ़ना नू या कि सले आला नबियां दा सुल्तान नबी सुल्तानुल अंबिया पाक जहरा दा पाक बाबा हसनैन करीमैन शरीफैन दे नाना पाक फरमेंदे ने फरमाने नबीए इनल हुसैन मिसबल खुदा व सफीनतुन निजा। किबला तवज्जो है सुल्तानुल अंबिया फरमाए बड़ी तवज्जो नबियों दे सुल्तान फरमाए कि बेशक मेरा हुसैन हदायत दा चराग है और निजात दी कश्ती है। मेरा हुसैन हदायत दा चराग है। हुण तवज्जो करनी आखदा कौन पे जेड़ा आप मंबा हदायत है वह पे आखदा है हुसैन हदायत दा चराग है। जड़ा आलमीन दी निजात बन के आए जिंदी गवाही तो बगैर किसी नबी दी नबूवत कबूल नहीं। तमाम आलमीन दा नाजी ओ प्याख दे निजात दी कश्ती दा नाम है हुसैन। नबियां दे सुल्तान दे इस जुमले फरमा दिता है कयामत तक वास्ते कि जिस हदायत पानी है वह अपने आप नू हुसैन ही आखे। मेरे तो बाद मेरे पर्दा करन तो बाद जेड़ा अपने आप नू हुसैनी अखवाएगा समझे मैं हदायत दे रस्ते ते हां। और जिस निजात पानी है जेड़ा चाहता है कि मैं निजात दहिंदा विचों हां वह भी अपने आप नू हुसैनी आखे। अबी बिन काब साहबी रसूल है अबी बिन काब रवायत कर दे कि मैं अल्लाह दे रसूल को बैठा या इतनी देर विच नबियों दे सुल्तान दे फरजंद सिपते पैगंबर जिगरगोश बतूल निवास रसूल हुसैन इबन अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लैके पे सुल्तानुल अंबिया अपनी मसनत छोड़ीए ते बाजुआ नू दराज कीता है। इवें दराज करके आखे मरहबा मरहबा आओ मेरा जमीनो आसमान दी जीनत बचड़ा। क्या फरमाए आओ मेरा जमीनो आसमान दी जीनत बचड़ा। जदा गल की अबी बिन काब एक सवाल किया है सुल्तानुल अंबिया क्या तुहाडी मौजूदगी विच तुहाडी सुल्तानुल अंबिया दी मौजूदगी विच कोई होर भी आसमानो जमीन दी जीनत हो सकता है। भाई रहमतुल आलमीन दे चेहरे ते जलाल आए उसके पासे वेख के आखे अबी बिन काब मेरे हुसैन नू जमीनो आसमान दे नाल न तोल। मेरा हुसैन जमीनो आसमान तू कहे ज्यादा बुलंद है। मैं जदा अर्श ते गया ते अर्श दे जीने ते लिखिया वे वेख्या इनिल हुसैन मिसबल खुदा व सफीना तू निजा। साहबा दा असा जिक्र नहीं करते साढ़े ते बड़ी कदगन लगती। अबी बिन काब का जिक्र किया है हुज़ैफ़ा यमानी साहबी रसूल है। भाई साढ़े मैंबर तो साहबा का जिक्र होंगे है
हुज़ैफ़ा यमानी सहाबी रसूल कोई आम सहाबी भी नहीं, वो सहाबी है जिस नूं अल्लाह दे रसूल आखिया है कि हुज़ैफ़ा मेरा राजदार है। हाँ हुज़ैफ़ा मेरा राजदार है। क्या बात है तुहाडी भी किबला साहब, ये कोई छोटा जिहा क्रैडिट है जिन्हों नबियां दा सुल्तान नबी आखे मेरा राजदार है हुज़ैफ़ा, राजदार है मुस्तफा हुज़ैफ़ा यमानी। ता ही तो जदा तबूक तो वापस आए अल्लाह के रसूल ते हमला होए, जानलेवा हमला होए, कातलाना हमला होए, मुनाफकीन बारह दे किताबां च मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने किसनों दसिया है? उन्होंने ना दसे ने हुज़ैफ़ा नू। ते बंदियां जनाबे हुज़ैफ़ा को पुछया है ना कि उन्होंने मेरा ना तो नहीं, क्यों? कयामत तक अल्लाह के रसूल ने जिसने अपना राजदार बनाया उसका नाम है हुज़ैफ़ा यमानी। हुज़ैफ़ा प्या देने मैं एक दिन हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की खिदमत च हाजिर हो, जाहिरन छोटा सन ने, मैं हुसैन की खिदमत च हाजिर हो, बिन वांदियां वेख के हुसैन आखिया है आओ राजदार मुस्तफा, तू मेरे नाने का राजदार है, आ एक राज आज मैं हुसैन में तेनू देवा। हुज़ैफ़ा आखे जिमें दस्त बदस्ता हो कि सिप्त पैगंबर फरमाओ चा निवास रसूल फरमाओ चा। हुसैन इबनी अली अलैहिस्सलाम हुज़ैफ़ा दे पासे वेख्या कि हुज़ैफ़ा 10 मुहर्रम 61 हिजरी नू मेरे नाने दी उम्मत दा एक बागी गरो मैनू जुलम दे नाल शहीद करेगा। हुज़ैफ़ा एक गल सुनी है ते परेशान होकर सवाल किते सिप्त पैगंबर तुसें एक गल तुसें खबर अपने नाना जान को सुनी है? हुसैन इबन अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेनियाजी दे नाल आखे नहीं, जदा आखे ना मैं अपने नाना जान को नहीं सुनी। हुज़ैफ़ा इसे ही हालत विच इसे परेशानी दे विच आए ने नबियों के सुल्तान की खिदमत हाजिर होए ने, तर्ज किया या रसूल अल्लाह ये गल सुनी है मैं हुसैन को, तो सवाल किया है कि तुसा ये गल अपने नाना जान को सुनी है, तो हुसैन जवाब दिता है हुज़ैफ़ा नहीं। उस वक्त मुस्कुरा के मोहम्मद फरमाए, मुस्कुरा के मोहम्मद फरमाए हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा मेरे हुसैन हूँ पहचान नहीं। हुसैन इबन अली अलैहिस्सलाम पैगंबर दे इस फरमान तो पैगंबर फरमाए हुज़ैफ़ा मेरे हुसैन मेरे को कुछ पूछण की जरूरत नहीं, मेरे को कुछ पूछण की जरूरत नहीं। इलमी इलमोहू व इलमोहू इलमी, मेरा इलम हुसैन का इलम है, हुसैन का इलम मेरा इलम है। जड़ा इलम मुहम्मद का मिसदाक है ना वो है हुसैन इबनी अली। जड़ा नबिया के सुल्तान की मौजूदगी च भी नबिया का सुल्तान जिंद बारे च फरमान ना हदायत का चराग है वह है हुसैन इबनी अली। जिंद बारे सुल्तान लंबिया फरमान ना हुसैन मिनी वा ना मिनल हुसैन, मैं हुसैन विचू हाँ तो हुसैन मेरे विचू है, ओ हुसैन इबने अली। जे मकामात इतने बुलंद ने कि जिसनू नबियों का सुल्तान प्या दे, हजारा किताबा लिखिया जा चुकी ने इस गल उत्ते सिर्फ कि हुसैन मेरे विचू है तो मैं हुसैन विचू हाँ। बस गल मैं मुसाइब की शुरू कर ली, क्या उस हुसैन की अजमत का कोई अंदाजा तो इहाता कर सकता है? जिसकी अजमत का अंदाजा वो इहाता ना हो सके उस दे मुसायब का भी अंदाजा वो इहाता कोई नहीं, उस दियां तकलीफां ते परेशानियां का अंदाजा भी कोई नहीं। एक दुआ पे करदा सारे आमीन आख्या जे, दुआ पे करदा शाला कैं शरीफ नूं वसदे वेले दा कोई सज्जन उजड़े वेले ना मिले। हाय 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 हो गई इबादत। सवाल करो मेरे ते क्यों वसदे वेले दे सज्जन होर होंदे ने, वसदियां रुत्तां होर होंदियां ने, उजड़ियां रुत्तां होर होंदियां ने। वसदे वेले दी कनीज है जिसका नाम है शिरीन, वसदे वेले सदीकतुल कुबरा दी सच्ची धी अपनी इस कनीज शिरीन दे नाल एक वादा कीता। केड़ा वादा कीता? शीरीन मैं अपने सोहने पुत्र अली अकबर की जंज लैके तेरे घर आऊसा। ओए होए 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 हो, यह वादा वसदे वेले कीता।
मगर जिस वक्त जंज लैके आई है बड़ी जल्दी दे नाल गुजरदा पिया, कोई रटी रटाई तकरीर तो है नहीं, जिथों मर्जी छोड़ देवां जिथों मर्जी शुरू कर लां। ये वादा है बस दे वेले दा, मगर जदा शीरीन दे दरवाजे ते जंज लैके आई है ना वह वसदा वेला ना, वह वसदा वेला ना हा। इसे वजह तू शीरी उसे ही जंज दा कैदी समझ के इस्तकबाल कीता है। अजरक मिनल्ला शीरिया दी बीबियां वो सामने कुर्सियां लगियां ने उन्हां ते बैठो, तुहाडी अपनी मर्जी, अंदर कमरियां च कालीन विछन कालीना ते बैठो तुहाडी अपनी मर्जी। मलका शर्मो हया बड़ी ही बेनियाजी दे नाल कुर्सियां दे कोलों गुजरी है, अंदर जाके बीबी हक्किल मार के आदि तवज्जो जिन्हां इबादत करनी है बीबिया दी, शीरी ये कालीन भी हटा, साडा कालीना ते बहण दा मौसम गुजर गया है। शीरी कालीन हटाए न, बीबियां मिट्टी ते बैठिया ने, छोड़दा पै सारा मजमून। फरदन फरदन हर बीबी नूं सलाम पी कर दी, पहले मुश्तरका सलाम कीता, कह देना हो मेरा सलाम होवे, बीबियां हो मेरा सलाम होवे, फिर वरदन फरदन हर एक बीबी को आ कह दीए कह देन मेरा सलाम होवे, मेरे लायक कोई खिदमत है ते दस, मेरे लायक कोई काम है ते दस। जदा सारिया बीबिया को पुछ बैठी है ना मेरे लायक कोई खिदमत है ते दस, मेरे लायक कोई काम है ते दस, आदि मैं थोड़े को जरा पुछदी पई हाँ बगैर वजह तू नहीं पी पुछदी, मेरे पुछण की कोई वजह है, पुछदी इस वास्ते पियाँ मेरी एक मदीने की रहन वाली सैण है, मेरी सैण मैनू एक दिन फरमाया शीरी किस्मत कुछ कैदियों नू तेरे दरवाजे ते लै आ सी, हाय शीरी उन्होंने कैदी ना समझे, उन्होंने नाल सख्त कलामी दे नाल पेश ना आवे, उन्होंने एहतराम करें। मैं तो अपनी सैण के फरमान ते अमल भी कर दी हाँ, शीरी कोई काम नहीं जदा आख्या ना मलका शर्मो हया ने, कोई काम नहीं असा तेरे तो मुतमइन हाँ। तो फिर जदा टुरन लगी है ना शीरी, एक छोटी जी बच्ची है जैसा सन छोटा है मगर जै जुलम ढेर डिठे, शीरी नू एक बाजू तो पकड़िया एक कोने ते लै गई है, कोई हालत ऐसी उस बच्ची दी शीरी कदें नीले रुखसार चुमदी है कदें जख्मी हाथ चुमदी है। शीरिया दी छोटी कह दन मेरे किते दुआ कर, हुसैन दी धीए थाई गल कीती है दुआ उन्हां बीबियां कोलों क्यों नहीं मंगवाई। शीरिया दी मैनू फिर मेरी सैण दा फरमान याद आ गया है, मेरी उस ही मदीने दी रहण वाली सैण फरमाया शीरी बच्चे दी दुआ ते कैदी दी दुआ अल्लाह खाली ने वलेंदा, तू दोवां सिफतां दे नाल मौसूफ है, बच्ची भी है कैदन भी है। जदा आख्या सुना बच्ची भी है कैदन भी है, हुण सुनावां जवाब जिहड़ा मेरी सैण दिता है, जिहड़ा जवाब सज्जाद दी भैण दिता है, वो जवाब इमाम सज्जाद बर्दाश्त कोई नहीं किया। बीबी आदिए शीरी तेरी सैण फरमाया कि बच्चे की दुआ ते कैदी की दुआ अल्लाह खाली नहीं वलेंदा, मैं दोवां सिफतां दे नाल मौसूफ हाँ मगर तेनू इस गल का कोई नहीं पता अल्लाह यतीम की दुआ भी खाली नहीं वलेंदा, हाय हाय मैं यतीम नहीं हाँ। यह गल की इमाम की कूक बुलंद हुई उच्चा रुन्ना सज्जाद, दुआ किते हथ बुलंद किते ने, बार बार प्या ना छोड़ दा मजमून प्या, दुआ किते हथ बुलंद किते ने, शीरिया दी मेरी पहली दुआ मंग मैनू मेरी सैण दी जल्द ज़ियारत नसीब होवे। बीबी आदि अज ही होशी शीरी समझी कोई नहीं, आदि दूसरी दुआ मंग मैनू मेरे पीर दे पुत्र दी जंज जल्दी आवे, मैं जंज दी ज़ियारत करा। बीबी जवाब दिता है आई ते खड़ी है पहचान दे काबिल ज कोई नहीं रह गई, हाय 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 अजरक मिनल्ला आई जो है पहचान दे काबिल कोई नहीं रह गया। मेरी अगली दुआ मंग हुसैन दी धी बड़ी बेनियाजी दे नाल आखे मंग छोड़िया सारिया दुआवां, अगर तेरे दिल विच भी कोई दुआ है तो मुस्तजाब हो सी मैं जामेना। जदा इतने वसूक दे नाल गल कीती है शीरी दी हैरानगी वध गई है, कायनात च घराना इक्को जिहड़ा इतने वसूक दे नाल गल कर सकदा है, जिहड़ा दिलां दे राज भी जानदा है, इतने वसूक दे नाल बच्ची गल भी करदी है। शीरी सोचण लग पई है या हुसैन दी धी इत्थां गल कीती है शीरी मेरे कोलों जिहड़ियां दुआवां भी मंगवांदी है, क्या मैं इन्हां दुआवां दी कोई उजरत मंगा ते मैनू उजरत दे सकदी है। जदा उजरत का नाम आए ना शीरी आदि मंग कह दिन क्या मंग दिए, मैं कोई गरीब तो नहीं, मेरी सैन की दुआ दा सरे मेरे को दुनिया की हर चीज मौजूद है, मंग क्या मंग दिए, बेधड़क हो के मंग
जदां त्रीजी वारी आख्या सुमंग क्या मंगदी है शीरी दे दिल विच ते आ सोना मंग सी चांदी मंग सी दौलत मंग सी जदां त्रीजी वारी आख्या सुमंग क्या मंगदी है हुसैन दी धी आख्या रोवण दी इजाजत चढ़े रोवण दी इजाजत दा नाम आए शीरी आप रोवना शुरू कीता याद ये कह दन मैं ता समझया सोना मंग से चांदी मंग से दौलत मंग से मगर तू ता रोवन दी इजाजत पई मंगदी है जदा रोवन दी इजाजत मिल गई है बीबी दूसरियां बीबियां कोई आके दस्या रोवन दी इजाजत मिल गई है बीबियां जो जड़े जड़े मकाम ते बैठियां बीबियां मिट्टी ते हल्का बनाए मुसाइब दा जुमला प्याखदा वेखदा केड़ा बेदार केड़ा बेनियाज बैठा है तुसां असां ते हल्का बना के मातम कर दे आना मगर बीबियां दी मजबूरी आई मातम नहीं कर सकदियां बीबियां मिट्टी ते हल्का बना के वैन करने शुरू की ते हर बीबी वैन भी कर दी है या शीरी अपने कम्मा विच मसरूफ हो गई है इंतजामात विच मसरूफ हो गई है या एक बीबी ओ जवैन की तय शीरी को इंतजामात भूल गए कम काज छोड़ के दौड़ी है जदा उस बीबी वैन की तय हायो मेरा हुसैन वीर ए सन सैयद कम